प्यारे दोस्तों, सादर प्रणाम। हिंदी की दसवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में इकाई एक में एक सुंदर कविता है, टूटा पहिया। टूटा मीन्स ब्रोकन, पहिया मीन्स व्हील। वास्तव में यह एक पौराणिक घटना से संबंधित है। हमको मालूम है महाभारत युद्ध के बारे में। महाभारत युद्ध में एक बार अर्जुन की अनुपस्थिति में, उपस्थिति मीन्स प्रेजेंस, अनुपस्थिति मीन्स एब्सेंस, अर्जुन की अनुपस्थिति में द्रोणाचार्य ने रचे चक्रव्यूह को भेद कर अभिमन्यु ने आगे बढ़ा। चक्रव्यूह को भेदने में अभिमन्यु ने सफलता पाई, सफलता मीन सक्सेस। लेकिन अंतिम क्षण तक लड़ते समय अभिमन्यु निरायुध हो गया। अभिमन्यु के पास आयुध नहीं था। उस समय एक टूटे पहिए को लेकर अभिमन्यु ने बहुत देर तक कौरवों से युद्ध किया था। युद्ध की आखिरी क्षण में कौरव महारथियों ने अभिमन्यु को मार डाला। अभिमन्यु मर गया। महारथियों मीन्स आउटस्टैंडिंग फाइटर्स। यही इतिहास से कुरुक्षेत्र युद्ध में अभिमन्यु युद्ध करते समय अंतिम क्षण में एक टूटा पहिया ही अभिमन्यु को सहायता किया था। उसी प्रकार श्री धर्मवीर भारती यह हम कहते हैं कि समाज में छोटा या लघु मानकर, निसार व्यक्ति ऐसा मानकर एक मनुष्य को उपेक्षा न करो। निसार मनुष्य की ओर उपेक्षा का मनोभाव नहीं दिखाना है। कवि यह उपदेश हमको देते हैं। देखो यह कविता टूटा पहिया, ध्यान से देखो। यहां समाज में चलने वाला अन्याय, अधर्म और अनीतियों के विरुद्ध लड़ने वाला एक छोटा सा मनुष्य के प्रतिनिधि है टूटा पहिया। श्री धर्मवीर भारती टूटा पहिया को हमारे सामने इसी प्रकार दिखाते हैं कि टूटा पहिया एक लघु मानव की तरह हम लोगों से कहते हैं, मैं रिद्ध का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत, डोंट थ्रो मी। क्या जाने किसको मालूम है कब व्हेन इस दुरूह चक्रव्यूह में, दुरूह मीन्स कठिन, अनइंटेलिजिबल, चक्रव्यूह मीन्स ए स्पेशल मेथड ऑफ महाभारत वार। चक्र के आकार में युद्ध में सेना को तैयार करना। अक्षौहिणी सेनाओं को, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द अक्षौहिणी सेना? आर्मी विथ एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस। सेनाओं को चुनौती देता हुआ, चुनौती
means challenge. ललकार, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी पक्ष मीन साइड भाग, बड़े बड़े महारथी, मैंने पहले कहा था महारथी मीन्स आउटस्टैंडिंग फाइटर, अकेली अलोन, निहत्ति मीन्स आयुध रहित अनआर्म्ड, आवाज को, आवाज मीन्स साउंड, अपने ब्रह्मास्त्रों से, ब्रह्मास्त्र मीन्स ओल्ड स्पेशल वेपन, आई मीन ब्रह्मास्त्रम, ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, कुचल देना मीन्स टू क्रश, चाहना मीन्स टू विश, तब देन में, कुचल देना मीन्स टू क्रश, टू ट्रैम्बल, टू ट्रैम्बल, तब देन में रथ का टूटा हुआ पहिया, टूटा हुआ पहिया मीन्स ब्रोकन व्हील, हमको मालूम है वो, उसके हाथों में, हाथों मीन्स हैंड्स, ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूं, लोहा लेना मीन्स टू स्ट्रगल, युद्ध करना, सक मीन्स कैन, आई कैन फाइट दम, ऐसा करता ही, ऐसा करते है टूटा पहिया हमसे, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, रथ मीन्स कैरेज, लेकिन मुझे फेंगो मत, डोंट थ्रो मी, इतिहासों की सामूहिक गति, इतिहास मीन्स हिस्टरी, ऐतिहासिक मीन्स हिस्टोरिकल, सामूहिक गति मीन्स सोशल कंडीशन, क्या जाने किसको मालूम है, सच्चाई मीन्स ट्रूथ, सच, यह कवि हमसे पूछते हैं कि किसको मालूम है सच्चाई टूटे हुए पहिए को आश्रित करेगी, क्योंकि समाज में चलने वाले अनीतियों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक आदमी आ जाए तो उसको सहायता करने के लिए, उसको मदद करने के लिए एक छोटा सा या निसार व्यक्ति ही आ जाएगा, वो निसार व्यक्ति की प्रतिनिधि है यहाँ टूटा पहिया, यही है इस कविता से कवि का उपदेश। समाज में कुछ लोगों को निसार और बेकार समझकर उपेक्षित करना मनुष्य का सहज स्वभाव है। कभी कभी किसी लोग सत्य का मार्ग छोड़कर झूठ, अन्याय और अधर्म करने वाले लोगों को समर्थन करते हैं, तब उन शत्रुओं से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली आयुध के रूप में, एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस टूटे हुए पहिए का उपयोग होना चाहिए, यही है कवि की आशा। इस कविता द्वारा हमको श्री धर्मवीर भारती से यही उपदेश मिलते हैं। प्यारे छात्रों, धन्यवाद।